एक तरफ सरकार पब्लिक की परेशानी को देखकर वाहनों को बढ़ाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर डग्गेमार वाहन वाले सरकार की उन नीतियों को नाकाम कर रहे हैं जिससे सरकारी खजाने में बढ़ोतरी हो रही है और पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़े। कोसी कला के बस स्टैंड पर डग्गेमार वाहनों का आतंक सरकारी गाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण बन रहा है जिससे सरकारी खजाने में कमी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक तरफ सरकार की तरफ से काफी सारी बसें चलाई गई जिसमें दो चार सवारी बैठती हैं, बाकी सवारियों को डग्गेमार वाहन वाले जबरदस्ती पैसे का लोभ देकर अपनी गाड़ियों में बैठा लेते हैं जिससे सरकारी बस यानी कि सरकारी खजाने में कहीं ना कहीं चूना लगा रहे हैं। इस संदर्भ में काफी बार योगी सरकार की गाइडलाइन आई जिसकी जगह डग्गामार वाहनों ने आतंक मचा रखा है। पुलिस प्रशासन उनको तत्काल वहां से हटाए और कहीं भी डग्गामार वाहन चलाते नजर आए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहेंगे डग्गी मार वाहनों को लेकर आप? यहाँ बस स्टैंड की हालत जो है, यहाँ सरकारी वाहन बसें लगभग दो या चार बसें पूरे दिन में आती हैं और डग्गी मार वाहनों का जमावड़ा रहता है। योगी सरकार का स्पष्ट आदेश है कि डग्गी मार वाहनों को एक यहाँ से जो प्रक्रिया है उसके अंदर नहीं सुचारू होने दिया जाएगा। लगातार डीएम को और डीएमओ को आदेश दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है।